एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। अनुच्छेद 370 का रोना रोने वाले पाकिस्तान ने अब भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। इस विधेयक को उसने भेदभावपूर्ण कानून करार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि यह दोनों पड़ोसियों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय समझौते का भी पूर्ण उल्लंघन है, खासकर संबंधित देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा मामला है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत का यह नवीनतम कानून धर्म और विश्वास पर आधारित है। यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। पाकिस्तान ने कहा कि इस कानून ने एक बार फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के दावों के खोखलेपन को उजागर किया है। इस बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान भेदभावपूर्ण कानून का विरोध करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन करता है। यह भारत का पड़ोसियों के साथ भय उत्पन्न करने वाला प्रयास है। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। नाजरीन, भारत की दहशतगर्दी सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भारत के अंदर इंसानी हकूक की पामाली आम है। और ये कहना किसी तौर पर भी गलत ना होगा कि पूरा भारत ही मजहबी, लसानी, माशरती तासुबात और रियासती दहशतगर्दी का शिकार है, जबकि सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ने वाले भारत का असली चेहरा जो मोदी है, ये आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर रहा है। वही मोदी जिसको गुजरात का कसाब कहा जाता है, जिसने 2002 में गुजरात में मुस्लिम कश फसादात की सरपरस्ती की थी। दूसरी बार फिर इक्तदार में जब मोदी आया, उसके बाद मोदी ने मुसलमानों से नफरत में एक और कदम आगे बढ़ाया और हिंदुत्व को फरोग देते हुए भारतीय हुकूमती जमात बीजेपी की जानिब से अब भारतीय लोकसभा ने एक नया बिल मंजूर किया है, जिसके मुताबिक भारत में हिंदू, बुद्ध मत, सिख, जैन, पारसी और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो तारकीन वतन हैं, उनको शरीयत मिल सकेगी। ये जो पाबंदी है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मुसलमान जो तारकीन वतन होंगे, उनको भारतीय शहरियत नहीं मिल पाएगी। ये बिल अभी राज्यसभा में पेश होना बाकी है, जहां पर बीजेपी की अक्सरियत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि कश्मीर की जब खसूसी हैसियत खत्म हुई, जब वो बिल राज्यसभा में भी आया, ऑपोजिशन की भरपूर मुखालिफत के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया था, और ये कहा जा रहा था कि ये बिल भी मंजूर होने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। इस बिल की लोकसभा से मंजूरी के बाद भारत के मुसलमान जो हैं, अब उनमें और ज़्यादा खदशात, तहफ़ुज़ात बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को अब ये डर है कि इस अमल में हुकूमत लाखों मुस्लिम शहरियों को अब दानिस्ता तौर पर शहरियत से बेदखल करने की कोशिश ज़रूर करेगी। भारत के इस इकदाम के बाद भारत में मुसलमान बनकर जीना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बीजेपी की हुकूमत ऐलानिया तौर पर अब ऐसे इकदाम कर रही है जिसका वाज़े मकसद ये है कि दुनिया हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का ठिकाना समझे। भारत के इस इकदाम के ऊपर पाकिस्तान ने सख्त रद्दअमल दिया है। वजारत खारजा ने इस इकदाम की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने आज ट्वीट किया और ये कहा कि ये दरअसल आरएसएस के हिंदू राष्ट्र डिजाइन का एक हिस्सा है, जिसको फासिस्ट मोदी सरकार ने प्रोपेगंडा के तौर पर इस्तेमाल किया है। जबकि आलमी सतह पर अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने तशवीश का इजहार किया और अमरीका को भारतीय वजीर दाखला और दीगर जो क़्यादत है उनके खिलाफ पाबंदियों की भी तजवीज़ पेश कर दी गई है। बिल की मंजूरी के खिलाफ खुद भारत के अंदर से अब आवाज़ें उठने लगी हैं और आसाम समेत मुख्तलिफ रियासतों में आवाम सड़कों पर निकल आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा समेत भारत की जो शुमाल मशरक़ी रियासतें हैं, आज 12 घंटों से वहां पर हड़ताल है और आसाम में जो तालीमी इदारे हैं, कारोबारी मराकज हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि वहां पर होने वाले जो इम्तिहानात थे उनको भी मुलतवी किया गया। जबकि बीजेपी के इत्तेहादी अकाली दल ने भी बिल में मुसलमान तारकीन वतन को शामिल करने का मुतालबा किया। ऑपोजिशन इसकी बहुत ज्यादा मुखालफत कर रही है, जबकि आज दुनिया भर में जहां इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि कश्मीर में बसे जो इंसानों का दर्द है, वहां पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, आज के दिन भी किसी को उसका ख्याल नहीं आया। इस सारी सिचुएशन पर मैं बात करूंगी साबिक सफीर जमीर अकरम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अकरम साहब आपका।
जमीन वेलकम साहब, ये इंडियन शहरियत का जो तरमीमी बिल 2019 है, जो अभी सिर्फ लोकसभा में पेश किया गया, रात देर गई इस बिल को मंजूर किया गया, यकीनन है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ। हमारा मुल्क बना, पाकिस्तान बना, इस्लाम की बुनियाद पर बना, मजहब की बुनियाद पर बना, हमने अपना मुल्क हासिल किया। लेकिन इंडिया तो हमेशा से शुरू से ये कहता था कि मजहब की बुनियाद पर शनाख्त बनती नहीं है, तो आज खुद मजहब की ये लोग शनाख्त बना रहे हैं जिसमें सिर्फ यह पाबंदी सिर्फ मुसलमानों के लिए लगाई गई है। और इंडियन आइन को अगर देखें तो इंडियन आइन में तो किसी को भी मजहबी बुनियाद पर शरीयत देने की तो बात ही नहीं की गई है। तो ये आपको लगता है ये सिर्फ मुसलमानों से नफरत का एक शाखसाना है जो बीजेपी दौर में हमें बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है? जाहिर तौर पर तो यही लगता है कि ये बीजेपी और आरएसएस जो उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से ये सारा कुछ मोदी सरकार कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हमें इसका इस चीज को तस्लीम करना होगा कि ये कायदे आजम की दूर अंदेशी थी जो उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के वक्त उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि हमारा एक अलग मुल्क बनना चाहिए पाकिस्तान। और खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं होता उस तरह से तो आज आप देखते कि हमारे मुसलमान जो हैं इस बड़े सगीर में उनका क्या हाल होता। बिल्कुल। तो ये मोदी सरकार सिर्फ जारी तौर पर कर रही है लेकिन डीप रूटेड ये एनिमोसिटी जो है मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में और इंडिया के हिंदू मजहब के लोगों में ये अभी जाहिरी तौर पर बाहर आ गई है और सतह पर आ गई है। और पहले ये सेक्युलरिज्म के पीछे छुपे रहते थे और सेक्युलरिज्म क्लेम करते थे लेकिन जो उनका हिंदुइज्म का जो अगली फेस है जो फनेटिकल और फैशिस्ट है वो अब मोदी के हाथों दुनिया के सामने आ गया है। तो अभी भी इनको सेकुलर नजरियात वाला मुल्क कहना चाहिए? मुख्तलिफ वाकयात का अगर पसे मंजर देखें जमीर अकरम साहब तो शायद किसी को भी इस बिल को समझने में मुश्किल नहीं होगी। आसाम में एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, इंडिया में उनको शनाख्त का बहुत ज्यादा मसला है, वहां पर गाय का गोश्त कोई खा ले उसको कत्ल कर दिया जाता है, फिर बाबरी मस्जिद वाले फैसले के बाद इस तरह का इकदाम। तो आपको लगता है इन वाकयात के तसलसल को देखें तो एक हिंदुत्वा की समझ में आती है ये इन्हीं वाकयात का तसलसल है? ये अब जाके ये जाहिर दुनिया को हो रहा है कि हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म नाम की चीज जो है इसको क्वेश्चन किया जा रहा है और उसको मोदी सरकार की तरफ से उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है, मैं अगर हम तारीख में देखें कि माजी में भी जब भी किसी हिंदू और मुस्लिम के दरमियान कोई मसला होता तो उसमें जो हिंदुस्तान की जो भी हुकूमत थी उन्होंने ज्यादातर हिंदुस्तान में जो भी हिंदू मौकिफ था उसको सपोर्ट किया। बाबरी मस्जिद का आप देखें वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद 1948-49 में ये मसला शुरू हुआ और उस वक्त की हुकूमत जो थी वो सो कॉल्ड सेक्युलर थी, नेहरू साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इसका फैसला उस वक्त नहीं किया और वो अभी चलता रहा जब तक 1990 में फिर बीजेपी जब ने इसको उठाया। तो ये मेरे ख्याल में ये एक अंडरलाइंग रियलिटी है इंडिया की कि सेक्युलरिज्म जो है वो शुरू से एक फसाद रहा है और सेक्युलरिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए एक कन्वीनियंट आइडियोलॉजी थी क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के अलावा मुसलमान, सिख और बहुत से और ईसाई और भी हैं तो इनको सारों को और इसके अलावा और भी उनकी डिफरेंट डिफरेंसेस हैं, उनमें कास्ट के हैं, दूसरे मसले हैं, तो इन सबको उनकी मजबूरी थी एक साथ लाना और उनको कहना कि जी हम सेक्युलर मुल्क हैं इस वजह से हम साथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते थे। सेक्युलरिज्म का भांडा तो इनका आसाम में फूट चुका है जहां पर 34% मुसलमान रहते हैं और जिस तरीके से वहां पर एनआरसी को नाफिज किया जा रहा है सेक्युलरिज्म का भांडा तो वहां पर फूट चुका है जहां पर इतने ज्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। ये मेरा कहने का मकसद है कि ये हर वक्त ये एक ढोंग था, एक फसाद था शुरू से, अब ये जैसे आपने फरमाया इसका भांडा फूट गया है और वो मोदी हुकूमत के जरिए ये जाहिर हो गया है कि हिंदुस्तान असली तौर पर
कोई सेक्युलर मुल्क नहीं था, और आप देखेंगे जिस किस्म की अक्सरियत से उनको सपोर्ट किया गया है और ये एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कैंपेन किया अपने इलेक्शंस में, और उनको भरपूर सपोर्ट मिली है उनकी मीडिया उनके, और जो ऑपोजिशन है वो तो बिल्कुल ही उनमें कोई ऐसी सलाहियत ही नहीं रही, उनमें इतनी ताकत ही नहीं रही कि वो इसका मुखालिफ कुछ कर सके।